हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है रगड़ा पानी पूरी। तो रगड़ा बनाने के लिए हमने ली है एक कटोरी सफ़ेद मटर। सफ़ेद मटर को हम एक कटोरे में भिगो के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे बाद हम मटर को एक कुकर में लेके साथ में 2 आलू काट के और थोड़ी हल्दी थोड़ा नमक डाल के इसे हम कुकर में बॉईल होने रख देंगे। कुकर में हम 3 से 4 सीटी लगवानी है ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। हमने कुकर में बॉईल होने रख दिया है इसे। अब जब तक हमारी सफ़ेद मटर बॉईल होगी तब तक हम पानी पूरी का पानी बना लेते हैं। पानी पूरी के पानी के लिए हमने लिया है थोड़ा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे, चटनी की तरह बना लेंगे। तो ये हमारी चटनी तैयार है। अब हम थोड़ा पानी लेंगे एक बर्तन में, जितना आपको पानी बनाना है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच चटनी और इसे अच्छे से पानी में मिला लेंगे थोड़ा चला के। तो हमारी चटनी अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 चम्मच से थोड़ा कम काला नमक। अब इसमें डालेंगे 1 आधी चम्मच पानी पूरी मसाला। अब इन सबको डाल के हम पानी को अच्छे से चला लेंगे। इसको अच्छे से चलाना है ताकि सारे मसाले इस पानी में अच्छे से मिल जाएं। तो अब हमारा ये पानी तैयार हो चुका है बिल्कुल। इसे अब हम साइड में रखेंगे और अब हम रगड़ा बनाएंगे। तो देखिए, हमारे मटर अच्छे से पक चुके हैं और आलू भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे भाजी मेशर से मैश कर लेंगे आलू और मटर को हल्का हल्का। तो हमारे अब ये आलू और मटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, अभी थोड़ा ही डालना है। इसे चला लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। अब 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ रगड़ा और अब इसे डालने के बाद इसे हम चलाते रहेंगे और गैस फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे। जब इसमें थोड़ा उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक इसे हम गैस पे थोड़ा उबलने देंगे। अब मैंने डाला है थोड़ा नमक। अब इसमें मैं डालूंगी पानी पूरी का पानी 2 चमचे बड़े और जो चटनी बनाई थी वो 1 बड़ी चम्मच। पानी पूरी का पानी डालने से इसमें अलग टेस्ट आएगा, एक अच्छा। तो अब 1-2 मिनट और गैस पे रहने देना है और हमारा रगड़ा तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।